सर एडोलेसेंट में टीनेज में हम जब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स की तो एक्ने ही सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम नहीं है, बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिक जो सबसे कॉमन है, किस किस चीज़ को हम स्किन प्रॉब्लम्स में इंक्लूड करेंगे, मतलब कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में जो आपके पास आते होंगे इलाज के लिए? जैसे आपने बताया कि एक्ने एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, उसके साथ ही फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती हैं, साथ ही हमें स्केबीज, वॉट्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी ज़्यादा बच्चे अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं। सर अभी आपने बात की कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स की, अब लिसनर्स को भी ये चीज़ नहीं पता होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या चीज़ है। जनरली जब बच्चे बड़े होते हैं, खास करके लड़कियों में, वो उनको शौक होता है अपने आप को सजने संवरने का, या वो अपने आप कॉस्मेटिक्स बड़े इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, तो उनकी वजह से उनको पता नहीं होता कि उनकी स्किन पे क्या सूट करेगा, क्या सूट नहीं करेगा, किस तरह की उनकी स्किन है। तो इसलिए जब वो इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो उनको ठीक होता है, कई बार उनका रिएक्शन हो जाता है, जब उसी वजह से वो इरिटेंट डर्मेटाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, या बहुत ज़्यादा ग्रीजी कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने से जो उनकी एक्ने की प्रॉब्लम है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, या हो रही होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और लड़कों में जैसे वो बड़े हो रहे हैं, कई लोग बच्चे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिम में कई बार वो स्टेरॉइड्स का सेवन भी करना शुरू कर देते हैं, या जिम बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके वैसे ही हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से उनको एक्ने के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी तो सर अभी हमने बात की कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स की, जिसमें लिसनर्स सर ने हमें बताया कि अगर हम ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, ज़्यादा ही अपने आप को सजने संवरने में टाइम लगाएं, और कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ करें, पाउडर्स हो गए आजकल, कॉम्पैक्ट बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों से कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी दिखने की बजाय और ख़राब होने लग जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी स्किन प्रॉब्लम्स का, स्पेशली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स का, वो है माइकल जैक्सन, जिनकी स्किन इसी सब चीज़ों को यूज़ कर करके इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनको कई सारी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स लेने पड़े उसे ठीक करवाने के लिए, बट टिल डेथ उनको लाइटिंग से इतनी प्रॉब्लम थी, उनकी स्किन इतनी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी कि वो लाइट्स के सामने ज़्यादा नहीं आ सकते थे। और मुझे उम्मीद है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता होगा कि हमारे साथ ऐसा कभी भी हो, तो हमें अपनी स्किन का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और इस छोटी सी उम्र में हमारी स्किन वैसे ही बहुत ग्लो कर रही होती है, और अगर डाइट का हम ख्याल रखें तो मुझे लगता नहीं कि इतने सारे मेकअप की जरूरत पड़ेगी। जी सर, फंगल इन्फेक्शन फेस पे, स्किन पे होता है? जी हाँ, जो फंगल इन्फेक्शन हैं, जनरली जो एरियाज बहुत ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व रहते हैं वो रहते हैं ग्राउंड एरिया, जिसे हम जेनिटल, अराउंड द जेनिटल्स बोलते हैं, एक्सिलरी एरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहता है, या हमारे ढके हुए रहते हैं बॉडी पार्ट्स। यदि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, वो हमारे किसी भी अंग पे देखने को मिल सकती है, फेस पे, लेग्स पे, हाथ पे, इवन नेल्स पे हमारे इफेक्टेड हो सकते हैं। जी हाँ, ये देखने को मिलती है। जनरली इसके जो मुख्यतः कारण हैं, जैसे लड़कियों में पीरियड्स आते हैं तो उन दिनों में बच्चियाँ ध्यान नहीं रखती हैं, या उनके माता पिता उनको सैनिटरी नैपकिन या वो खुद नहीं इस्तेमाल करते, वो कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि बड़े अनहाइजीनिक रहते हैं, तो उनकी वजह से उनको यूटीआई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो इन चीज़ों से उनको बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम भी कहते हैं कि जैसे बच्चे लड़कों में देखा है आजकल जीन का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, वो एक ही कपड़े को तकरीबन 10-10 दिन तक वो नहीं बदलते हैं, अंडर गारमेंट्स का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं, ना उनको अच्छी तरह से धोते हैं, ना सुखाते हैं, और वो गीले बदन कपड़े डालने के बड़े आदी होते हैं, क्योंकि टाइम समय का कमी के कारण उनको स्कूल जाना होता है या अपने कॉलेज जाना होता है, तो उसी तरह से गीले बदन कपड़े डालते हैं। जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है खेलने में, हमको देखते खेलते हैं पसीना बहुत आता है, या वो जिम जाकर के घर आए उन्हें कपड़े नहीं बदले, उसी तरह पसीने में वो लेट जाते हैं, तो उससे वो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये है कि कई बार हमने देखा है कि बच्चे एक दूसरे के कपड़े मांग करके पहन लेते हैं, या अपने हाइजीन में अपने तौलिया अलग नहीं रखते हैं, या एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उनमें भी ये एक दूसरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिस्टर्स, आपने ये सुन लिया कि फंगल इन्फेक्शंस जो हैं, अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो होंगे और वो बढ़ेंगे भी। और इनके ठीक होने का, सर ठीक होने के लिए इच गार्ड जो हम सुनते हैं कॉमनली फंगस के लिए कहा जाता है कि उसे यूज़ करना चाहिए, क्या वही होती है एक क्रीम जिससे ये ठीक होता है? देखिए, वैसे तो ये जो बाज़ार में मिलते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स अपने देखने को मिलती हैं,
कि ये लगाओ आपकी इस गट ठीक हो जाएगा, ऐसा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपनी पर्सनल हाइजीन सबसे पहले उसको ठीक रखें। यदि आप उस पर्सनल हाइजीन के ठीक रहने के बावजूद भी आपको कोई समस्या है तो आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से पूरा सलाह लेकर के उनको दिखा करके उसकी जो उपचार है, सही मेडिसिन है, वही लेकर के आप उनका इस्तेमाल करें। फालतू में कहीं और से किसी कहा सुना या किसी के कहने पर इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो लिसनर्स, आपने ये सुन लिया है और हर एक शो में मैं आपको ज़रूर ये कहती हूँ कि कभी भी बिना सलाह लिए डॉक्टर की कोई भी चीज़ खुद यूज़ करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि स्किन एक सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्या कहें, लेकिन यही शरीर की जो चीज़ है वो दिखती है लोगों को और इसी से हमें जज भी किया जाता है। और अगर इसे ही हम खुद ख़राब करने लग जाएंगे, खुद ही इसके ठीक करने के लिए खुद ही नए नए उपचार ढूंढेंगे तो ठीक करते करते कहीं कई कई बार हम इसे और डैमेज ना कर दें। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि हो रहा है या हो गया है तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की राय ले लीजिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होगी, बल्कि बस प्रॉपर इलाज लेंगे तो जल्दी से जल्दी ठीक होगी। सर, हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, जैसे हमारी किरण दीप भी है, तो इस उम्र में बच्चे की साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट होता है वो भी ये होता है कि मुझे खूबसूरत दिखना है जी। और कॉस्मेटिक्स की हमने बात की, उनसे इनको प्रॉब्लम आ सकती है जी। तो कौन सी डाइट उनको फॉलो करनी चाहिए कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाए कि मैं आप इतनी अच्छी डाइट ले रही हूँ तो मुझे ऐसे कॉस्मेटिक्स मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि अच्छी डाइट, यही कि पौष्टिक जो आहार है वही हमारे शरीर का आधार है। यदि हम पौष्टिक भोजन खाएंगे, समय पर भोजन खाएंगे, ठीक मात्रा में भोजन खाएंगे, उससे हम जो स्किन है उसमें हर तरह का, जैसे दाल भी होना है, हरी सब्जियाँ हैं, फल हैं, मौसम के अनुसार जो फल हैं हम उनका यदि सेवन करेंगे, अच्छी मात्रा में सेवन करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी त्वचा को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और निरोग रख सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा पानी का सेवन करें जी, हाँ, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो चमचमाती रहे, खिलखिलाती रहे। तो लिसनर्स, आपने सुन लिया है कि पौष्टिक आहार जिसकी हम बात करते हैं, आपकी डाइट में बैलेंस होना चाहिए हर एक चीज़ों का, और जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे जंक फूड से उतनी ही आपकी स्किन अच्छी रहेगी हमेशा। पानी की बात हमने अभी सर से सुनी कि पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए, और पानी की जब हम बात करते हैं तो एक कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि दिन में कितने ग्लास पानी, एक लीटर पानी, कितना लीटर पानी, तो इसकी, तो सर ये जो मिथ है कि 8 ग्लास पानी या 5 लीटर पानी, तो कितना पानी? जनरली जो पानी की जो हमारे सेवन की जो क्षमता है बॉडी में, वो हमारी बॉडी के कार्य के अनुसार रहती है। जैसे हमारा बहुत ज़्यादा गर्मियों में हमारे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है तो मैं पानी का जो एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, वैसे ही सर्दियों में कम हो जाता है थोड़ा, उस हिसाब से हमें पानी लेना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कम से कम 3 से 4 लीटर यानी कि तकरीबन 8-10 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा हमें पानी लेना चाहिए। यदि हम समय समय पर पानी लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम 10 गिलास एक बार में पी जाएं, ये भी नहीं है कि हमने तो उसके अंतराल के अनुसार जहाँ पानी लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जो शरीर है उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा ठीक रहेगा जी। तो लिसनर्स, आपने सुन लिया है कि पानी पीते रहना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन ठीक रहे, जिसके कारण स्किन पे भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये मानी जाती है कि अगर हमारा पेट खराब हो तो सर कहा जाता है कि हमारी स्किन के ऊपर एक्ने दिखना शुरू हो जाता है। तो एक जो क्वेश्चन बचपन से मेरे दिमाग में था, मतलब अभी भी मैं छोटी हूँ लिसनर्स, बट फिर भी मैं पूछ सकती हूँ ये, कि एक जो सवाल था कि एक्ने और पिंपल्स क्या ये एक जैसे होते हैं कि ये सिनोनिम्स? बेसिकली एक्ने हम उसको मेडिकल टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं, पिंपल्स आम भाषा में, या कील वहाँ से हम कह देते हैं जी जी। हाँ, ये सब एक ही नाम है। ये जनरली फेस पे, छाती पर या बैक पे ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। तो साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल जो प्रचलन है कि वैक्सिंग का, तो उससे भी कई बार लड़कियों के जो स्किन है, यदि हम बहुत ज़्यादा हार्शली उसको वैक्स कर दें, उनके स्किन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, जिसे कालापन कहते हैं, कई बार वो आ जाता है, क्योंकि बहुत यदि वो बहुत ज़ोर से उसको उसके स्किन निकाल, अपने जो एपिलेशन जैसे हम बाल रिमूव करते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, तो उससे भी कई मैंने देखे प्रॉब्लम्स बच्चे लेकर के आते हैं हमारे पास जी। सर, इसी सवाल का जवाब आपने दिया कि कई बार ब्लैक हो जाती है
है स्किन, तो इसी में एक सिचुएशन जो आजकल बहुत ज़्यादा सामने आती है कि कहा जाता है कि अगर हम लोग दूसरी नॉर्मल क्रीम्स, हेयर रिमूवल क्रीम्स अगर बच्चे यूज़ करते हैं तो ये कालापन उनसे ज़्यादा आता है रेदर देन वैक्सिंग। तो इसलिए गर्ल्स या बॉयज़ वैक्सिंग को प्रेफर करते हैं रेदर देन गोइंग फॉर हेयर रिमूवल क्रीम्स। तो हमें करना क्या चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कि आप जब भी अब ये एपिलेशन के लिए जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, तो अपने स्किन को बड़े सॉफ्टली करें जितनी उनकी स्किन, क्योंकि कई बार होता है कि हम बड़े फ्रिक्वेंटली हम वैक्सिंग करते रहते हैं तो उससे क्या है कि हमारी स्किन कई बार थिकेंड हो जाती है, कई बार उसको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जब वो रेड हो जाती है उसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, उससे कालापन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो एक तो अपनी स्किन को, त्वचा को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइटिंग से, धूप से भी टैनिंग ना हो, उससे हमें बचा के रखना चाहिए। सर, टैनिंग की बात आपने कर ली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं इंडिया ट्रैवल कर रही थी, तो इंडिया ट्रैवलिंग में आई वॉज नॉट कवरिंग माई फेस। तो उसमें जब मैं वापस आई तो मुझे ये सुनने को बहुत मिला अपने कॉलेज के लोगों से भी कि मेरी स्किन बहुत टैंड हो गई है, लेकिन आफ्टर सम टाइम अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, अब इट्स कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो क्या ऐसा होता है कि एक बार टैनिंग आ जाए तो वो रिमूव खुद ब खुद हो जाती है, बिकॉज मैंने बीच में कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया? ऐसा है कि जो टैनिंग है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में उसकी एक क्षमता रहती है कि वो अपने आप को ठीक करने की उसमें क्षमता रहती है, तो यदि हम उसको बचा सकें तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे आपने कहा कि उसके बाद आप इंडिया ट्रेवल किया, उसके बाद आप शायद ज़्यादा धूप में नहीं अपना एक्सपोजर दिया होगा, तो उससे आपकी जो स्किन है नॉर्मल, नीचे से जो नई स्किन आई वो ठीक थी। तो इसलिए यदि आपको उससे बचना है तो आप सनस्क्रीन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं जी, जी। तो पर वो मैं फिर वही कहूँगा कि डॉक्टर की सलाह के बिना मत इस्तेमाल करें उसको, उनकी सलाह लें, अपनी स्किन देखें, स्किन टाइप के हिसाब से उनसे वो प्रिस्क्राइब करवाएं कि कौन सा उनको सनस्क्रीन या कोई बॉडी लोशन इस्तेमाल करना है जी। तो लिस्टर्स, आपने ये सुना कि हमें कुछ भी अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ खुद नहीं करनी है। अगर आपको टैनिंग की भी समस्या है तो सर ने एक चीज़ बता ही दी है कि वो स्किन में अगर इतनी पोटेंशियल है, आपकी बॉडी, आपका डाइजेशन इतना अच्छा है, आपकी डाइट अच्छी है, तो वो खुद ब खुद इस चीज़ को ठीक कर लेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और वो कॉन्टिन्यूस आपकी स्किन टैन रहती है, तो रेदर देन गोइंग टू अ ब्यूटी पार्लर और गेटिंग टैन रिमूवल्स फ्रॉम देयर, आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सके और स्किन पे कोई भी फर्दर प्रॉब्लम या फर्दर इशू ना क्रिएट हो। और जितना ज्यादा आप इस तरह के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में अपनी स्किन को ढककर रखेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और आपको फ्यूचर में ऐसी कोई भी बीमारी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सर, इसी के साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं अगर वो हल्का सा भी अपनी स्किन पे टच भी करते हैं या फिर उसको रब करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो निशान पड़ जाते हैं, और वो निशान ऐसे होते हैं कि जो 5-10 मिनट के बाद ठीक नहीं होते हैं, वो परसिस्टेंटली काफ़ी टाइम तक रहते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा कि आर्टिकेरियल जो लीजन्स हैं हो जाती हैं जनरली हमें, ये उन बच्चों को जैसे आपने बताया कि जब खरोंच लगती है, जब से वो उनका रेडिशनेस आ जाती है, तो आर्टिकेरियल वो डेमोग्राफिज्म हम अपनी भाषा में बोलते हैं, तो वो होने लग जाता है। जनरली वो जो ये बच्चे होते हैं ये थोड़े से एलर्जिक होते हैं, ये कई बार कुछ बाहर का खाना खाने से या पैक्ड फूड खाने से, जैसे हम बताएं कि जंक फूड से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो हैं प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। कई बार बच्चे जो हैं बिना पूछे मेडिसिन पेन किलर्स वगैरह खाते हैं तो उनमें भी ये प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। फिर वही मैं कहूँगा कि बच्चे जब तक अपना जो भोजन है या जो अपने आहार है उसको जितना सिंपल रखेंगे, जितना वो नेचर के साथ चलेंगे, नेचर के साथ रहेंगे, उसमें कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनकी जो त्वचा है वो काफ़ी अच्छी रहेगी जी। तो लिसनर्स, इसका भी इलाज और इसका ही सोल्यूशन एक ही है कि आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना है, अच्छा खाना खाना है। तो इन सब चीज़ों से मुझे एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये है कि आपकी स्किन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके खाने से। जितना हेल्दी खाएंगे उतनी ही स्किन हेल्दी रहेगी जी। सर, आजकल बच्चे एक्ट्रेसेस को बहुत फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम हो गया, तो इंस्टाग्राम एक ऐसी साइट है जहाँ पे फोटोज फटाफट से अपलोड होती रहती हैं, और इन्हीं सिचुएशंस में सुबह सुबह जब मैं भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो जिन जिन एक्ट्रेसेस को मैं फॉलो कर रही हूँ उनका डाइट आ जाता है कि मैं आज ब्रेकफास्ट में एवोकाडो विद ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ तो मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग है। तो बच्चे ये चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो चीज़ उनके लिए सही नहीं होती रेदर देन जो चीज़ एक्ट्रेस के लिए सही होती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको पेरेंट्स कैसे समझाएं? मैं ये कहूँगा कि जितना जो हमारे घर में एक आम डाइट है, तकरीबन वो बिल्कुल पौष्टिक डाइट ही हम लेते हैं,
तो मैं चाहूँगा कि आप उसी पे अपना ध्यान रखें ज़्यादातर। जैसे बहुत ज़्यादा आप जैसे बता रहे हो कि इंस्टाग्राम पे इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है, वो मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करता हूँ पर ये है कि जहाँ तक मेरा अपना निजी राय है कि जो भी आपको आसानी से जो फल सब्जियाँ दालें या जो भी आहार आपको आसानी से मिलता है आप उसका ज़्यादा सेवन करें। बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है यदि आप अपना ध्यान ठीक तरह से रखते हैं। मुझे लगता नहीं कि आप किसी को फॉलो करना चाहिए बल्कि आप अपने आप को फॉलो करें, अपने अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लाएं कि आप ठीक रहें। जी तो लिसनर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खूबसूरती कहा जाता है कि हिंदुस्तान की महिलाएं सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और ब्रिटिश के जो मर्द होते हैं वो सबसे ज़्यादा हैंडसम होते हैं। तो अगर हिंदुस्तान में खूबसूरती हमारे प्रचलन में चलती आ रही है तो इसका मतलब उन लोगों को तो कोई आर्टिफिशियल डाइट्स नहीं मिल रही थी, वो लोग भी वही खाते थे जो अवेलेबल चीज़ें हैं और हेल्दी खाते थे, जंक फूड्स नहीं खाते थे, तभी उनकी खूबसूरती बरकरार थी। और अगर हम लोग भी उसी तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करें तो हम लोग भी खूबसूरत बने रह सकते हैं और हमें मेकअप की मुझे तो नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम पैदा होते हैं तो यार सब हमें इतना प्यार करते हैं कि खूबसूरती ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो इट्स रेदर यूजिंग मेकअप, आप लोग अपना खाने पीने पर ध्यान रहें और अपने पर्सनालिटी को इतना अच्छा बनाएं, इतना पॉजिटिव बनाएं कि एक वाइब्रेंट फील आपको देखते ही आए। कई बार कहा जाता है और देखा जाता है कि जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं या जिनका काम बहुत ही एक जगह पे खड़े रहने का होता है उनके लेग्स के ऊपर ब्लैक रैशेज आ जाते हैं जी। तो सर वो क्या है और इनका इलाज कैसे हो? बेसिकली बहुत ज्यादा देर तक हम खड़े रहने से, जैसे हम देखा गया कंडक्टर्स में, बार्बर्स में जो प्रोफेशनली बहुत देर तक खड़े रहते हैं, वैसे भी आजकल हम घर में देखते हैं कि महिलाएं खड़े होकर बहुत देर तक रसोई में काम करती रहती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में जनरली पैरों में वो उसका खड़ा रहता है काफ़ी समय के लिए। बेसिकली यदि हम चलते फिरते रहेंगे तो ब्लड की सर्कुलेशन बनी रहती है, मतलब जो काफ मसल्स हैं उसको जो ब्लड को पंप अप करके फिर दोबारा से ऊपर तक हार्ट में और हार्ट के जरिए फिर दोबारा वो सर्कुलेशन में रहता है। जनरली जो बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से कि जो हमारा ब्लड है कई बार वो बाहर रिस जाता है, जैसे हम कहें हल्का सा, तो उस हमारी वेन्स से आर्टरी से, तो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, जब हवा के साथ वो रिएक्ट करता है तो उसमें वो ब्राउनिश कलर या हल्के से काले ब्राउनिश ब्लैकिश कलर्स के वहाँ पर आपको स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सर इसका इलाज कैसे हो? जनरली इसमें हम इसको प्रोटेक्ट ही कर सकते हैं। फिर वही मैं आप कहूँगा कि अपने डॉक्टर से मिलें, बहुत देर तक एक जगह न खड़े रहें, थोड़ा सा टहल लें या चल फिर लें, और जब आप बैठते हैं तो थोड़ा लेग्स को सपोर्ट रखें तो जो जो आपका ब्लड है वो अपने आप सर्कुलेशन में आए, एक जगह ज़्यादा देर तक न खड़े रहें, यही चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए हमें। जी तो लिसनर्स आपने सुन लिया है कि अगर आपको ऐसी बीमारी देखने को मिलती है, बीमारी तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अगर आपको ऐसे रैशेस देखने को मिल रहे हैं आपकी बॉडी पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपको गाइड कर सकें। और ये बीमारी सिर्फ एक जगह पे खड़े होने की वजह से होती है, जिसको सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कई बार अगर आप एक जगह पे खड़े रहते हैं तभी ब्लड जो है वो वहाँ पे रिस जाता है और बाय एयर कॉन्टैक्ट से वो वहाँ पे थोड़ा सा रेड और ब्राउन जो है वो वहाँ पे लेयर्स बना लेता है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी रखिए, डॉक्टर्स ही आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो सर इसी के साथ जो सबसे कॉमन चीज़ है पर्टिकुलरली टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा रहती है कि हम जो कहते हैं काले घेरे, जिसे हम कहते हैं आँखों के नीचे काले घेरे पड़ जाना, तो इसका इलाज जो है वो बच्चे खुद ब खुद करने की कोशिश करते हैं, कोई इसके आँखों के नीचे खीरे रखता है, कोई आलू रखता है, इसको कैसे ठीक करें? जो पेरी ऑर्बिटल डार्कनिंग है, फिर वही बात आती है कि जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक जैसे आईलाइनर्स के ऊपर वो कई बार कुछ कलरिंग, जी जी आजकल कलर्ड आईलाइनर्स भी हैं, वो उस तरह के इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से कई बार वो कालापन खुद ही आ जाता है। जनरली फिर वही बात कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना ध्यान रखें, तो उससे ये जो कलर्स हैं ये मतलब कि आते ही नहीं है। यदि आपकी अच्छी डाइट है, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक तरह से खाते हैं यदि हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए इसके बजाय कि आप खुद ही घर में उसका उपचार करें या कुछ और लगाएं। तो सर ये आलू और खीरा जो है मदद करते हैं इस चीज़ में? ये मदद करते हैं नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ उसके ऊपर रखने के बजाय वो खाए जाएँ वो ज़्यादा असर करेंगे।
बिल्कुल सही। तो इंटरनेट को डॉक्टर मत बनाइए, सबसे बेटर चीज है कि डॉक्टर की राय लीजिए अगर आप काले घेरों से भी परेशान हैं। और डाइट का, फिजिकल एक्टिविटी का जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे ये चीजें दूर रहेंगी। सिर्फ बात करते करते एक चीज और याद आती है, हमारे जो माँ बाप हैं आजकल भी पेरेंट्स कहते हैं सर्दियों में ड्राइनेस बहुत आ जाती है, तो हमारे पेरेंट्स का उस चीज़ के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है कि अपनी बेटा नाभि के अंदर तेल लगाओ। तो ये बहुत ही अजीब इलाज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जनरली क्या होता है कि सर्दियों में हम थोड़ा सा गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी बॉडी का जो ऑयल कंटेंट है वो कम हो जाता है जी। उसके ऊपर हम साबुन लगाते हैं तो उससे भी काफ़ी कम हो जाता है। तो उस ऑयल को रिप्लेनिश करने के लिए, उसको दोबारा लग जाए तो आप उसको अपने हल्के से कोकोनट ऑयल लगा लें बॉडी पे, जैसे हम बुजुर्ग कहते हैं कि नाभि पे लगा लें या सारी बॉडी पे लगाएं, तो आपको किसी भी क्रीम की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मॉइस्चराइजर फेस पे मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं और बॉडी को जनरली ड्राई मत होने दें, क्योंकि ड्राइनेस से क्या कि आपको धीरे धीरे उसमें इचिंग होनी शुरू हो जाती है। हम ऊपर से वुलन क्लोथ्स डालते हैं तो उनकी रबिंग के साथ कई बार आपको हल्के हल्के से वो आपको इचिंग या थोड़ा सा अलग तरह सेंसेशंस देखने को मिलती हैं। तो आप कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो उससे आप बॉडी ठीक रहेगी। तो मतलब नाभि में तेल लगाना भी हेल्पफुल हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि सारे बॉडी पे लगाएं जी। तो लिसनर्स आपने सुन लिया है कि बड़ों की बात हम मान ही लेते हैं इस बार, नाभि में थोड़ा बहुत तेल लगा लेते हैं, लेकिन सबसे सही बात है कि कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं फुल बॉडी पे। और सर ने सब इम्पॉर्टेंट चीज ये भी बताई है कि हम डरते हैं कई बार मॉइस्चराइजर्स को फेस पे लगाने से, कि नहीं नहीं ये तो बॉडी के लिए लिखा है, तो बॉडी इज बिलो फेस, फेस पे नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन आप सर्दियों में बहुत ज्यादा अगर वहाँ पे ड्राइनेस हो रही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जनरली बाजार में जो मॉइस्चराइजर है फेस के लिए अलग से मिलते हैं जी, बॉडी के लिए भी अलग से आजकल आते हैं। फिर वही मैं कहूंगा कि डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें, या जिन भी आपको पक्का पता है कि ये फेस के लिए है तो उसी को फेस पे लगाएं जी। सर मॉइस्चराइजर्स की हमने बात की, तो एक क्वेश्चन मैं बढ़ाई देती हूँ यहाँ पे, वो है सोप्स का। कहा जाता है और आजकल एडवर्टाइजमेंट्स में भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि हर एक सोप फेस के लिए नहीं होता है, तो क्या ये बात सही है? मैं तो ये कहूँगा कि जो सोप्स हैं ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें कि आपकी बॉडी की जो ऑयल कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ही रहे, वो पानी में के साथ ना धुले। फिर आपको जो भी बॉडी को आपको सूट करता है जो सोप आप वही इस्तेमाल करें, ज़्यादा आपको इधर उधर मुझे लगता है कि जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स जो सर्दियों में हैं वो अच्छी रहती हैं जी। तो लिसनर्स आपने सुन लिया है कि ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स आप यूज़ करें वही आपके लिए सबसे सही रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सर ने आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है और मुझे तो काफ़ी बातें सीखने को मिली हैं। अब मैं प्रॉपरली ध्यान रखूंगी सर।